हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में जैसे कि देखा कि आप मदुराई में थे, तभी हमने आते थे, अभी हम थे तिरुपति। तो मैंने यहाँ आने की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि सेम रूट हो जाता। जब रामेश्वर वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, वो रूट सेम हो जाता, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी हम जा रहे थे तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने, और क्या क्या रूल्स है वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो स्किप मत करता। और हमने तिरुपति में ऐसा कुछ होटल लिया था 1000 रुपीस पर नाइट फॉर लोगों के लिए। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी बज गए 7। तो यहाँ से तिरु वाला बस मिलती है, और यहाँ क्या रूल है वो मैं आप सबको बताऊँगा। तो यहाँ से चलते हैं। मैंने इस होटल में बुक किया था सहारा रेस्टोरेंट, पर पर्सन 1000 रुपये बुकिंग 4 लोगों के लिए। और ये मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया था। और अभी हम आ गए बस स्टेशन, यहाँ से 500 मीटर बस स्टेशन है। तो यहाँ से तिरुमाला की बस मिलेगी, तिरुमाला 20 किलोमीटर है। तो ऐसी बस लेके आपको इस बस स्टैंड से आपको बाहर से भी टिकट मिल जाएगी और बस के अंदर से भी टिकट मिल जाएगी। तो टिकट लेना मत भूलना। टिकट का किराया क्या है तो हम उनको अंदर जगह बता देंगे। बस सीट मिली, और यहाँ से 15 मिनट में बस चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस नहीं मिलेगी तो फोटो या आप बस में कम किराया होगा तो आप सस्ते में तिरुमाला पहुँच सकते हैं। ऐसी कुछ बस है, कितना किराया है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँ। और तिरुपति आ रहे हैं तो आप फ्री में भी रुकना चाहते हो तो यहाँ फ्री में रहने व्यवस्था है। बस स्टैंड के सामने जो आपको वो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, उस तरफ आप रुक सकते हो। और वहाँ आपको फ्री 50 रुपये में रूम, ऊपर इसकी ऑनलाइन आपको बुकिंग करनी होगी। और आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते तो आपको दिक्कत हो जाएगी मिलने में। और यहाँ से ये सामने देख रहे हो ना, यहाँ आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, हॉल लॉकर सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ भी आपको टोकन मिल जाएगा, आप जब भी आए तो आधार कार्ड लेके आए सह परिवार आधार कार्ड, तो आपको टोकन जल्दी मिल जाएगा। और 2 से लाइन लगती है, 4 आपको टोकन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात का ख्याल रखना, तिरुपति जब भी आए या ऑनलाइन बुकिंग करके आए, और आप एडवांस में ही आपको कंप्लीट तैयारी होगी तो भी तिरुपति आना। तिरुमाला के टिकट पर पर्सन 90 रुपये के लगते हैं, देख सकते हैं। यहाँ बस में टिकट नहीं लेकिन तो आप बस स्टैंड से भी टिकट ले सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने बस स्टैंड से भी टिकट ले रखी थी, तो आप बस स्टेशन में ना लगे तो बस में भी आपको मिल जाएगी टिकट। अभी यहाँ चेकिंग होगा सबके बैग और सबका सामान। तो यहाँ क्या चेकिंग होता है, क्या नियम है आपको बताता हूँ। अभी जो हमारी बारी आ रही है, बहुत लंबी लाइन है अभी तो, देखते हैं कितनी देर लगती है यहाँ। यहाँ आपको सभी की चेकिंग होने वाली है। यहाँ आपको काफ़ी सारे चीज़ यानी प्लास्टिक के बैग, यहाँ और कई चीज सारे धूम्रपान वाले चीज़ तो बैग हो यानी कि कुछ लेना नहीं चाहते। और बस में आप नंबर याद रख लेना, उस तरफ आपको बस में वापस चल जाना। काफ़ी सारी बस यहाँ पर देखने मिलेगी, यहाँ से चेकिंग करके वापस बस आ जाएगी। तो इस तरफ से आपको बस बोर्ड करनी होगी और यहाँ से आपको आगे की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरफ से आपको ऐसा कुछ व्यू मिलेगा। और ध्यान रखना कि आप ज़्यादातर सामान लेके चले तो कोई दिक्कत नहीं है, और सामान में कुछ प्लास्टिक की वो तो भी चलेगा, अपन बैग में होना चाहिए, बाहर मत रखना। और ऐसा कुछ व्यू मिलता है तिरुमाला जाने के लिए, ब्यूटीफुल व्यू है, बादल ही बादल छाए है। अभी बारिश तो आने वाली लग रहा है, बारिश आ रही है। ऐसा कुछ व्यू मिलता है तिरुमाला जाने के लिए, ऐसा व्यू मिलता है। और यहाँ कितने देर में दर्शन होता है इस बात का ख्याल रखना। आप आधार कार्ड लेके नहीं आ रहे तो आधार कार्ड जरूर लेके आना, आपका आधार कार्ड बहुत काम का लगेगा। जो भी बोलते हैं सह परिवार आधार कार्ड, कोई नहीं बोलता कि आधार कार्ड लेके आओ। और यहाँ से आपको दिख रहा है अभी हम बस स्टैंड उतर गए, यहाँ से आपको ब्रेक रखने के लिए क्या व्यवस्था है वो आपको मैं बताता हूँ। और विदाउट टोकन वालों की यहाँ तो अभी लाइन नहीं, अभी तो बहुत देर लगने वाली, कितने घंटे लगते हैं दर्शन करने में वो सब कुछ बताऊँगा। यहाँ से एंट्री हो रही है विदाउट टोकन वालों की, अभी तो बैग भी यहाँ पे रखना है। आगे देखते हैं कितनी देर लगती है दर्शन करने में। और यहाँ आप आ रहे हो तो आधार कार्ड लेके ही आना, पूरी फैमिली का आधार कार्ड लेके आना, अकेला का मत लेना है। पूरी फैमिली आ रहे तो पूरी फैमिली का आधार कार्ड लेके आना तो अच्छा होगा दर्शन करने के लिए। तो बताया कि मैं आगे जाके बताऊँ, फिर मैंने बैग जमा कर दिए। और ये 18 के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तिरुपति में सुबह के 6 टाइम है और यहाँ बादल ही बादल सारे। और अभी हम अंदर 18 फंस गए थे, यानी कि लाइन में बैठा दिया था हमको, हम आधार कार्ड
फ्री वाला टोकन विदाउट टोकन वाले में गए थे ना, इसलिए 18 घंटे हमको वेट करना होगा, दर्शन के लिए करना पड़ा। और अभी हम तिरुपति बालाजी के दर्शन भी हो चुके हैं, दर्शन तो कुछ अच्छे हुए, फिर भी आपको 2 सेकंड में दर्शन हो जाता है। और 18 घंटे हमने वेट की और दर्शन हो गए, और ऐसा कुछ सुबह के टाइम व्यू मिलता है, आप देख लीजिए। और अभी आप यहाँ आ रहे तो इस बड़ी गलती को मत करना, आधार कार्ड तो लेके ही आना, और आपको आधार कार्ड लेकर आऊँगे तो नीचे से टोकन मिल जाएगा और पूरे दिन में आपको दर्शन हो जाएगा, इतने 2 दिन नहीं लगने वाला, तो यह बात का ख्याल रखें। और तिरुपति आ रहे हैं तो सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति, भारत इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर श्रद्धालु के देखते थे, यहाँ सबसे बड़ा भीड़ भी लगती है। क्यों भीड़ लगती है वो मैं बताता हूँ, यहाँ जाने को 1 गेट है और आने के ही 1 गेट है, 1 गेट से आपको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, 1 गेट से दूसरे गेट नहीं निकलते थे। और यहाँ आप आरती भी ले सकते हो, शुभ मॉर्निंग टाइम में सब कुछ भी मिलता है, इसीलिए भीड़ रहती है यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हो, और यहाँ सबसे बड़ा पैसे वाला भी मंदिर कहा जाता है तिरुपति वाला, तिरुपति मंदिर को, और ऐसा कुछ भी मिलता है। जो कोई भी तिरुपति आ रहा है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसे फॉलो कर लीजिए, जो कोई भी दिक्कत है मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। और एक बात का ख्याल रखना, तिरुपति आ रहे हैं तो पहले से प्रिपरेशन करके आना, तो आपको भी कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ आपको रहने व्यवस्था भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी, यहाँ काफ़ी सारे लोग हेल्पफुल है। तो ऐसा कुछ है, अभी यहाँ हमने जब लोग सभी जमा किए थे ना, यहाँ हमने ई गेट पे मिल गए, सभी मोबाइल बैग सब कुछ मिल गए, और वापस यहाँ भी हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमारा दर्शन भी हो गए, और यहाँ घूमने के बहुत काफ़ी सारी चीज़ है, पर हम 18 घंटे पूरी नींद में है तो कुछ घूम नहीं पाएंगे, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। और यहाँ से बस मिलती है फिर से, और 90 रुपये का टिकट लगेगा नीचे जाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ से बस मिलते हैं और नीचे चलते हैं, और यहाँ से हम तिरुपति का नीचे चल रही है बस। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में आगे बताऊँगा कुछ क्या होता है क्या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर महादेव। ये तिरुपति का व्यू कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, ड्रोन शॉट।